तो भाई 2020 की सबसे बड़ी गुड न्यूज जो है निकल कर आ चुकी है और टिकटॉक समेत जो है 58 चाइनीज ऐप को जो है इंडिया में जो है बैन कर दिया है। तो आप जो है बिल्कुल सही सुन रहे होंगे और बहुत सारी वीडियोस और न्यूज जो है आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे कि टिकटॉक समेत जो है बाकी 58 ऐप जो है चाइनीज ऐप जो है उनको जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया गया है। ये अभी कल की रात ही जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ से जो है एक वो आया है, पत्र आया है कि उसमें जो है उन्होंने ये बताया है कि जो चाइनीज ऐप्स हैं 58 या 59 ऐप कुछ है इतनी है तो उनको जो है इंडिया में बैन कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो है हमारे दिल में ये है कि टिकटॉक को जो है इंडिया में बैन कर दिया गया है और टिकटॉक में शेयरइट और शाओमी जैसी बहुत सारी 2-3 ऐप शाओमी की भी हैं तो उनको भी बैन कर दिया, जैसे कि मी कम्युनिटी ऐप भी जो है बैन हो चुका है और मी वीडियो भी जो है बैन हो चुका है। तो अगर जो है आप मी कम्युनिटी और मी वीडियो ये ऐप्स जो हैं आपके स्मार्टफोन्स में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास शाओमी के स्मार्टफोन्स हैं, तो आप जो है उनको जल्दी से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। और टिकटॉक भी तो आप सभी को पता ही है कि बैन हो चुका है। तो सबसे बड़ी खबर जो है 2020 की इस टाइम आ चुकी है। और दोस्तों ये तो अब आपको पता ही है कि 2020 के जो है सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आई है कि चाइनीज ऐप जो है बैन हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा जो है डाउट बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि क्या जो है पबजी की ऐप को जो है बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि पबजी बहुत सारे जो है इंडिया में जो है 5 करोड़ यूजर्स जो है हमें पबजी के जो है लगभग देखने को मिल जाते हैं और इंडिया में जो है टिकटॉक के 20 करोड़ यूजर्स थे। तो पबजी के 5 करोड़ यूजर्स हैं तो मतलब बहुत सारा डाटाबेस जो है या बहुत सारा फैन बेस जो है पबजी का हमें इस टाइम इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या पबजी बैन होगा या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, पबजी बैन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जानते होंगे कि जो पबजी है वो बना था कोरिया में, लेकिन उसके जो फिर बाद में जो है चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने उसे जो है खरीद लिया था। तो लेकिन अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसके बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दी है कि पबजी ऐप को जो है या पबजी जो गेम है उसको जो है बैन किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लैश ऑफ किंग्स जो बहुत सारे लोग जो हैं इस गेम को खेलते थे तो इस ऐप गेम को भी जो है बैन कर दिया गया है। लेकिन पबजी गेम को जो है अभी बैन नहीं किया गया है और पबजी भी इस टाइम मुझे लगता है कि रडार में हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऐसे जो है डाउट्स हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के मन में ऐसे डाउट हो सकते हैं कि कहीं कुछ लोग जो है सुसाइड ना कर लें, क्योंकि काफ़ी लोगों में बहुत सारा एडिक्शन जो है हमें पबजी का देखने को मिल जाता है। तो इस कारण से जो है अभी तक पबजी को बैन करने का कोई भी जो है डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो है हमें आगे पीछे की बातें जो है इसमें देखने पड़ सकती हैं सरकार को, इसलिए जो है पबजी को अभी तक जो है बैन नहीं किया गया है। लेकिन जहां तक जो है बात रही पबजी के चाइना के जो है ओरिजिनेट होने की, तो मैं आपको बता दूं कि पबजी एक अब जो है चाइनीज ऐप बन चुका है या चाइनीज गेम जो है बन चुका है, और जो उसका कोरिया का जो, यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं, यानी कि पबजी का जितना भी रेवेन्यू होता है उसमें से 70% रेवेन्यू जो है चाइना के टेंसेंट गेम को ही जाता है, यानी कि जो 70% जो है पबजी कमाता है तो वो सिर्फ जो है टेंसेंट गेम को ही जाता है। तो आप जो है ये माइंड में रख लें अगर आप जो है पबजी गेम खेलते हैं कि जो है चाहे पबजी भी बहुत जल्दी इंडिया में बैन हो सकता है, और इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पबजी जो है इंडिया में बैन हो जाए। वैसे अभी तक जो है कोई भी क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है पबजी को लेकर, लेकिन पबजी जो है बहुत टाइम से गवर्नमेंट के रडार में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके जो है बहुत सारा एडिक्शन जो है लोगों में इसका है, बहुत सारे सुसाइड जो है इसके पीछे हो चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है अब कुछ अच्छे तरीके से जो है डिसीजन लेके जो है इसे बैन कर सकती है, लेकिन अभी तक फिलहाल इसे बैन नहीं किया गया है। और ये है आपके लिए एक गुड न्यूज़, क्योंकि पबजी जो है एक चाइनीज ऐप बन चुकी है, तो इसके लिए जो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं पबजी को भी बैन ना कर दे, लेकिन अभी तक जो है पबजी को बैन नहीं किया गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और जो मैंने आज इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है आप जो है इस वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।